प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार, इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म है और यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स की फैक्चुअल चीजों पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर आप एक टर्म देखेंगे, प्रदर्शनकारी प्रभाव क्या होता है। आपको बताऊं, प्रदर्शनकारी प्रभाव, देखो आपने सुना होगा टर्म धरना प्रदर्शन, सुना होगा कि नहीं सुना होगा। तो यहां पर आपको धरना प्रदर्शन वाला ये नहीं है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शनकारी प्रभाव, प्रदर्शन का मतलब तो ये होता है, लेकिन प्रदर्शन का एक मतलब और होता है दिखाना। तो दिखाना, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स में हम किसको देखते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में होता है। और जब हम आस पड़ोस वाले को देखेंगे तो जैसा वो करेगा, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारा भी अच्छा करने का मन होगा। तो यहां से टर्म है प्रदर्शनकारी प्रभाव। आइए देखते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रदर्शनकारी प्रभाव से आपका क्या आश्रय है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में अपने समृद्ध पड़ोसियों की नकल करने की प्रबल लालसा होती है, यह एक सामान्य सी बात है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पड़ोसी ने पक्का घर बनवाया है तो आप भी पक्का बनवाएंगे, आपके पास पैसा आएगा तब आप बनवा लेंगे। पड़ोसी कार लेके आता है तो आप भी सोचेंगे कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी कार लाऊंगा। तो नकल करने की प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, जिसके कारण जब व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो वह काफी हद तक खर्च कर देते हैं और बड़ी बचत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब बचत कम हो गई तो इसी को बोलते हैं, जानते हैं क्या, इसी प्रभाव को बोलते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव की संज्ञा दी गई है। इसके प्रतिपादक जो थे यूसन वरी इसके प्रतिपादक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, फैक्ट हमें याद करना पड़ेगा। इसके बाद अब देखें अगला चीज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिपिकस कंजम्पशन। आप देखें यहां पर शब्द है कॉन्सिपिकुअस कंजम्पशन, ये किसे कहते हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, टर्म जो है अर्ध विकसित देश के नागरिकों द्वारा जो भोग विलास की चीजें हैं उसमें ज्यादा पैसा लगाना। देखिए, विलासिता की वस्तुओं का अधिकता से उपभोग, इसको हम कॉन्सिपिकुअस उपभोग कहते हैं, जो समृद्धि और विकास के लिए एक घातक है, एक विष का काम करता है, यह हानिकारक होता है, इसे ग्रोथ नहीं हो सकता, आपका विकास हुआ नहीं है और आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है मतलब दारू पी रहे हैं, आप अय्याशी कर रहे हैं, पैसे का अव्यय कर रहे हैं, भोग विलासता जीवन जी रहे हैं, तो यह किसी भी अर्ध विकसित देश के लिए सही नहीं है। दीपक पारेख समिति, नाम सुना होगा आपने, दीपक पारेख समिति ने क्या कहा था, किससे संबंधित है, आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से, ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। 12वीं योजना अवधि, बताओ कब से कब तक था, एकदम सही बता रहे हो, यह हमारा था, कब से था, यह हमारा 12 से लेके 17 तक, ठीक है, 5 साल का पीरियड होता है, 12 से लेके 17 तक। और इसमें जो है जीडीपी के कितने प्रतिशत तक रहने का लक्ष्य रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जीडीपी का टारगेट हमारा 9% था, 9% जीडीपी था। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ किस क्षेत्र में हिस्सेदारी कम होती है, इस बात को ध्यान रखना। देखो, जैसे हम बता सकते हैं कि हमारी जो जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 69.5 यानी 70% जो थी अर्थव्यवस्था, अब वह जो थी किस पर निर्भर थी, वह कृषि पर निर्भर थी। लेकिन अब आप देखेंगे यह अर्थव्यवस्था 60 से नीचे आ गई है। तो जिस क्षेत्र में हिस्सेदारी कम हुई है वह क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, औद्योगिक प्रगति किस प्रकार के आधारित संरचना पर निर्भर करती है, जिसको हम औद्योगिक प्रगति कहते हैं, उसमें आप देखिएगा 3 चीज इसमें लिया जाता है। पहला उसमें है बिजली उत्पादन, फर्स्ट हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात, दूसरा हम कहते हैं परिवहन के बारे में, और तीसरा संचार पर, 3 चीजें हैं, तो उसको हम औद्योगिक विकास की श्रेणी में रखते हैं, औद्योगिक प्रगति की श्रेणी पर रखते हैं। और इसका आधारिक संरचना के विकास हम मानते हैं कि अगर 3 चीजों की आधारिक विकास हो रही है, बिजली की सप्लाई पहुंच चुकी है, परिवहन वहां पर पहुंच गया है, संचार पहुंच गया है, तो हम कह सकते हैं कि आधार बन गया है औद्योगिक प्रगति का। ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत क्या है, देखिएगा व्यावसायिक स्रोत है कोयला, पेट्रोल और बिजली। तो आप देख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड जो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब फैक्ट है, आपको पता ही है। अब यहां पर बच्चों हम लोग बात करेंगे आईएसओ पर। आप देखेंगे आईएसओ एक स्टैंडर्ड मापक होता है, आईएसओ द्वारा जो है ये बताए, हम बता सकते हैं कि किस चीज की क्वालिटी
कैसी है। आईएसओ सर्टिफाइड का अपना एक महत्व होता है। यहां पर आप देख सकते हैं आईएसओ 9000, आईएसओ 9000 जो होता है वह गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की क्वालिटी कैसी है, अगर हम इसको आईएसओ के लिए अप्लाई करेंगे तो इस सारी चीजों को देखेंगे और अगर उस मानक स्तर पर वो पाते हैं तो हमें 9000 का सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए 1400 है, 14000 है, 14000 पर्यावरण के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमने कोई कल कारखाना फैक्ट्री खोला है, हम क्या उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या हम उसका सही तरह से जो है उसका जो इम्प्योरिटीज है हम सही तरह से उसका रिसाइकलिंग करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर वह देख करके हमें आईएसओ 14000 मिलता है। तो आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन के लिए, आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। ऐसे और भी देखिए आईएसओ है, आईएसओ 3166 यह देश के कोड और उसके उपविभागों के लिए कोडित करता है। इस बात को ध्यान रखना, देश के कोड और उपविभागों के लिए कोडित करता है। आईएसओ 26000 यह सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए होता है। आईएसओ 5001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए होता है। आईएसओ 5001 किसके लिए है? ऊर्जा प्रबंधन के लिए। आईएसओ 31000 जोखिम प्रबंधन के लिए है। आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ 22000 का प्रबंध किया गया। आईएसओ 4217 यह मुद्रा कोड है और इसके बाद आईएसओ 639 यह भाषा कोड के लिए जो है यूज किया जाता है। तो इस तरह से आईएसओ जो होते हैं मानक होते हैं अलग अलग चीज के लिए जो यहां पर आप देख सकते हैं। विकास के साथ उद्योग तथा क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप एक बात समझो यार, जब विकास होगा ना, जहां विकास होगा वहां श्रम शक्ति की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो श्रमिकों पर दबाव बढ़ जाएगा, इस बात का बस ध्यान रखना। विकास के साथ उद्योग तथा श्रम क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देखें, विकास के औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में लगे हुए श्रम का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत अधिक तेज हो जाता है। निश्चित रूप से जब दबाव बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण जिसको हम सेक्टर थेसिस बोलते हैं के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे फिशर एवं क्लार्क थे। फिशर एवं क्लार्क इसके आर्थिक प्रतिपादक थे। आर्थिक विकास साथ आय विवरण की विषमता के संदर्भ में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री साइमन कुर्जनेट्स का क्या विचार था? तो उन्होंने कहा था आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण की प्रक्रिया बढ़ता है, अन्य समूह भी लाभान्वित होंगे और आय के वितरण की विषमता कम होने लगती है। इस बात को जरा ऐसे समझो, देखो उन्होंने कहा था कि जब हम किसी चीज को एक बड़े स्तर पर करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर हम एक चीज का हर एक चीज का सिस्टम बना देते हैं, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आर्थिक विषमताएं जो है बहुत कम हो जाती हैं। पर वर्तमान में भारत आर्थिक विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है? तो आप देखिएगा, इस समय जो भारत है यह दूसरी अवस्था को लगभग पार कर चुका है और तीसरी अवस्था में यह क्या कर रहा है, गुजर रहा है, यही बात यहां पर बताया जा रहा है। दूसरी अवस्था को पार करके तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि भारत की तृतीय अवस्था में कुछ विशेषताएं पाई जाने लगी हैं या पाई जाती हैं। आर्थिक विकास की किस अवस्था में स्थिर समृद्धि की विरोधी परंपरागत तथा प्राचीन शक्तियां पूर्णतया समाप्त हो जाती हैं? आत्मस्फूर्ति अवस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हम बोलते हैं आत्मस्फूर्ति अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो परंपरागत एवं प्राचीन शक्तियां होती हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। कब? आप देखेंगे कि यह समृद्धि की विरोधी जो होती है, क्योंकि देखिए ग्रोथ नहीं होने दे रही है, जो परंपरागत चीजें हैं वह ग्रोथ नहीं होने दे रही हैं, जो रूढ़िवादिता है वह ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। जैसे मान लीजिए रूढ़िवादिता है कि महिलाओं को जो है घर में रखो और उनको पढ़ने मत दो, तो अब आप सोचिए इस रूढ़िवादिता से बहुत सारे जो है क्षेत्रों में औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उनको बोला जाएगा चौका चाठी करो, तो आप देखेंगे कि फिर जो है जहां पर पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप आधी अपनी क्षमता से काम कर पाएंगे। तो आप देखेंगे जो रूढ़िवादिता जहां जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, जैसे दहेज प्रथा जो है आप देखेंगे रूढ़िवादिता है, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा करना एक तरह की रूढ़िवादिता है, जो ज्यादा खर्चा करेगा उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं कि बिल्कुल उल्टा चीज है। ऐसे आप देखेंगे कोई मर जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, तेरहवीं करते हैं या जो भी खिलाने पिलाने का, ये सब जो है रूढ़िवादिता ही है। एक तो आदमी दुखी परेशान, ऊपर से उसको आप और दबाव दे रहे हैं, तो ये सब समझ रहे हैं इससे विकास नहीं हो सकता है या विकास में क्या है अवरोधक है, इन सब चीजों का पूर्णतः जो है विरोध होना चाहिए। तो ये आत्मस्फूर्ति अवस्था होती है। अगला पॉइंट देखिए, विकास के चरण के क्षेत्रक दृष्टिकोण उत्पादक के क्षेत्रवार वितरण के संदर्भ में क्या बताता है?
आप इस बात को ध्यान रखिए, अल्प आय वाले देशों में कृषि का परसेंटेज ज्यादा होता है जो कि 65 से 70% है, और उद्योग क्षेत्र आप देख सकते हैं 15 से 23% है, जबकि उच्च वाले में देखिए क्या होगा, उच्च वाले में या जो है आप देखेंगे कृषि केवल मात्र 2 से 3% है, और आप देखेंगे उद्योग 30 से 35 और सेवा क्षेत्र 60 से 65, आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर वहां पर ज्यादा होगा निश्चित रूप से, और जहां पर आप देखेंगे उद्योग वहां पर आप देखेंगे 30 से 35%, कृषि का योगदान 2%, तो उच्च आय वाले हो जाएंगे, कृषि में कहां पैसा है, आप इस बात को समझें। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो हम लोग संतुलित विकास की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे रोडान, इनका पूरा नाम है रोडान जी का, रोजन स्ट्रीन रोडान। सबसे पहले गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया था, ये देखिएगा नरकसे ने किया था, रेग्नेस नरकसे, आगे भी इनका नाम आएगा, रेग्नेस नरकसे ने कहा था गरीबी एक दुष्चक्र है, एक बार इस चक्र में फंस गए तो जीवन भर तुम गरीबी रहोगे, इस बात को ध्यान रखना, गरीबी के चक्र में फंस गए हो या दुष्चक्र है, गरीबी में पैदा हुए हो और गरीबी में मर जाओगे, उससे बाहर निकल नहीं पाओगे, यह कौन बताया था, रेग्नर नरकसे ने स्पष्ट किया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि यह गरीबी एक दुष्चक्र है, इससे बाहर तुम निकलोगे कैसे। अगली बात देखिएगा, समृद्धि का टपकन या रिसाव सिद्धांत, आप देखिएगा समृद्धि का टपकन या रिसाव, टपकन का मतलब देखिए बारिश खूब होती है लेकिन सारी बूंदें नहीं आती, कुछ कुछ बूंदें टपक के आती है, उसको टपकन बोलते हैं, या दीवार के द्वारा रिस-रिस के आती है उसको रिसाव बोलते हैं। तो देखिए जब बड़े आदमी के पास पैसा आता है तो निश्चित रूप से वो टपक टपक के क्या हो जाएगा, छोटे आदमी के पास ही पहुंच जाएगा, इसी को रिसाव या टपकन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो रिसाव या टपकन की प्रक्रिया में क्या होगा, जब कुछ जैसे सपोज करो मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और मेरे पास 500 करोड़ की संपत्ति रखी है और मैंने उसको यूटिलाइज किया, जैसे ही मैं उस पैसे को यूटिलाइज करूंगा, किसी भी क्षेत्र में लगाऊंगा, किस कहीं भी आप लगाऊंगा, तो अगर मुझे श्रम शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो वह पैसा मजदूरों को मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो जब मेरे पास वह पैसा आएगा तो वह निश्चित रूप से जब मैं विकास में उसको लगाता हूं तो वह रिसना शुरू हो जाता है, वह पैसा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फैल जाता है। तो इसी बात को कहा जाता है कि समृद्धि का ग्रोथ का टपकन रिसाव सिद्धांत आपको मैंने बता दिया। तो अमीर की आय बढ़ेगी तो गरीब की भी बढ़ने शुरू हो जाएगी। गरीबी के दुष्चक्र को चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया की संज्ञा किसने प्रदान की थी, द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलर एंड द कॉम्युलेटिव कोयुलेशन, कोयुलेशन ये गिनार मिलान है, इन्होंने इस बात को कहा था कि ये प्रोसेस ऑफ द सर्कुलर है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, एंड द कॉम्युलेटिव कोयुएशन है। तो आप इस बात को देखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि एक चक्र है, यह गरीबी का एक दुष्चक्र है और इसको जो है चक्री संचयी अंतर प्रक्रिया होती है, गरीब का लड़का फिर गरीबी में पैदा होगा, उसका लड़का फिर गरीबी में पैदा होगा, उसका लड़का फिर गरीबी में पैदा होगा, गरीब गरीब गरीब, और वह गरीबी प्रक्रिया में गुजरता रहेगा, और यह गुन्नार मेडार ने इस बात को बताया था। दीर्घकाल में विकासशील देश की विकसित देशों से आगे निकल जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बात बताया गया, एक देखो इन्होंने अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बिल्कुल उल्टी बात बोल दी, उन्होंने कहा कि लंबे समय में देखिएगा क्या होगा, लंबे समय में जो होगा जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, वैसे तो विकासशील देश अभी आगे चल रहे हैं लेकिन लंबे समय में क्या हो जाएगा, जो विकसित देश हैं वो विकासशील से आगे निकल जाएंगे। तो यह बात किसने कहा था, रॉबर्ट सोलो ने। संतुलित विकास को दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था, इनका नाम था नर्क्स, इनका नाम है रेग्नर नर्क्स, इन्होंने संतुलित विकास का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था, और आपको बताऊं भारत में इसी नीति पर काम करता है संतुलित विकास पर। हर्समैन विकास के किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, असंतुलित विकास के प्रतिपादक थे। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, नर्क्स ने किया था। नर्क्स ने कहा, रेग्नस नर्क्स ने कहा कि एक देश गरीब है इसीलिए वह गरीब है, यह सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति से ही असंबद्ध उछालों की श्रृंखला है, यह विचार किसका है, यह रोड्रा का विचार है, यह विचार है राजन स्ट्रीन रोड्रा का। आइए आगे चलते हैं। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था, अहस्तक्षेप का मतलब भाई आप जो है टांग नहीं अड़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, हस्तक्षेप नहीं करना है, स्वतंत्र उन्मुक्त की बात की जा रही है। यह अवधारणा की गई थी इटली के अर्थशास्त्री सेरा के द्वारा। और आप देख सकते हैं आर्थिक विकास की किस प्रणाली के स्वरूप को लोकतंत्र होता है, बाजार प्रणाली, बाजार प्रणाली जो होती है लोकतंत्र की प्रणाली होती है। देखो जिसके पास पैसा सामान उसका, जिसके पास पूंजी मालिक वही, एक सीधी सी बात समझो, जिसके पास पैसा है वही मालिक है, न मालिक कोई होता है न कोई जो है लेबर होता है, तुम्हारे पास पैसा है तुम मालिक, हमारे पास पैसा है हम मालिक, हम जाएंगे बाजार से तो हम भी पैसा रहेगा तभी सामान लेके आएंगे,
तुम जाओगे बाजार से, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम सामान उठा के लेके जाओगे, सीधी सी बात समझो। तो यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, छुआ छूत की कोई बात नहीं है, भंगी है और वो 10 रुपया देगा तो उसको भी चाय मिलेगी पीने के लिए, अमीर आदमी वो भी 10 रुपया देगा तभी चाय मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मार्केट जो होती है, बाजार जो होती है, लोकतंत्र से चलता है, यहाँ पर न तो कोई अमीर है, न तो कोई राजा है, न तो कोई गंगू तेली है, इस बात को ध्यान रखना। केंद्रीय नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब हम सेंट्रल प्लानिंग की बात करते हैं तो देखो, सेंट्रल प्लानिंग में सेंट्रल के लोग आएंगे, या तो केंद्र आएगी, या तो राज्य आएगी, या तो एडमिन आएगा, आप इस बात को समझिएगा। सरकार आ सकती है, राज्य आ सकता है, या केंद्रीय इकाइयों के द्वारा, इस बात को केंद्रीय यूनिट के द्वारा, या तो फिर सेंट्रल से बात करे या तो राज्य करे, समझ रहे हैं। यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास की किस प्रणाली में उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की स्वतंत्रता का अपहरण, प्रेरणा एवं साहस का अभाव तथा अधिकारियों की तानाशाही जैसी बुराइयां सन्निहित होती हैं, तो ये केंद्रीय नियोजन प्रणाली में ही क्या होती है, तानाशाही हो जाएगी, अधिकारियों की तानाशाही चलती, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि पैसा उनके हाथ में है, साइन नहीं करेंगे तो आगे फ्लो नहीं होगा, तो उनकी तानाशाही चलती है, इस बात को ध्यान रखना। स्वतंत्रता प्रांत भारत ने आर्थिक विकास की कौन सी प्रणाली चुनी थी, आप ध्यान रखना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने बाजार के साथ, आप देखिएगा, बाजार व्यवस्था के साथ आयोजन मिश्रित आर्थिक प्रणाली को चुना था। उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, भाई देश हमारा है, तुम भी आके पैसा लगा लो, जो प्रॉफिट होगा हम तुम्हें भी तुम भी ले जाना, कुछ हमें भी देना, इस तरह की व्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 1991 के बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसी नीति को बहुत तेजी से पालन किया था, आप इस बात को देखिएगा। पूरा विश्व मंदी में चल रहा था लेकिन फिर भी भारत को बचा लिया। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था की संज्ञा देता है, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिश्रित का मतलब हम भी करें और तुम भी करो, मिलीजुली सरकार। आर्थिक विकास की किस प्रणाली में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह मिश्रित आर्थिक प्रणाली में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है। कौन सी आर्थिक विकास प्रणाली स्वयं संचालित होती है, इस बात को ध्यान रखना। एक ही अर्थ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, जिसके पास ताकत वही आगे बढ़ेगा। जिसके पास पूंजीवादी व्यवस्था है वह स्वयं संचालित होती है, उसको कहीं कोई संचालित नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। आर्थिक विकास में किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बन रहती है, केंद्रित नियोजित प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कंबाइंड, मिश्रित क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था की दोहरी अर्थव्यवस्था, यह कथन किसका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी है, प्रोफेसर हैंसन का है, इन्होंने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक दोहरी अर्थव्यवस्था है। किसने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, प्रोफेसर लर्नर ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूंजीवाद का विनाश स्थिर अवस्था के कारण नहीं बल्कि अधिक उत्पादकता था, सामाजिक उथल पुथल के कारण होता है, यह विचार किसका था, यह विचार था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, इनको आप वैसे भी जानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर कहा है पूंजीवाद का विनाश स्थिरावस्था कारण नहीं बल्कि अधिउत्पादन एवं सामाजिक उथल पुथल के कारण होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक उदारवादी, देखिए इन्होंने क्या कहा, अगर समाज ने बहिष्कार कर दिया, तुमने बहुत पूंजी उत्पादन किया, समाज ने इस चीज को समझा, बहिष्कार कर दिया, तो हो गया ना सत्यानाश, ये सत्यानाश हो जाता है। तो यह किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, उन्होंने समाज को बहुत महत्व दिया था, तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे फिलोसफर रहे हैं। एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, जिसको हम बोलते हैं फिशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो आप ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी की हमेशा जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की दिशा में नियंत्रक नीतियां कौन सी हैं, तो इसमें 2 नीतियां चलती हैं, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा इसके लिए सांख्यिकी बोर्ड बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सांख्यिकी संगठन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO बोलते हैं, तो CSO के द्वारा जो है यह गणना की जाती है। अब ये देखिएगा जो CSO है, यह भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, 1949 में, आजादी के तुरंत बाद। अब आप देखेंगे कि मौद्रिक आय से क्या तात्पर्य है, तो चल कीमतों पर राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का सही सूचकांक होता है, इस बात को समझिएगा। और आप देखिएगा और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अब यहां पर देखिएगा सघन लागत पर राष्ट्रीय आय में किस प्रकार के करों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष करों को, ये तो पता ही होगा आपको, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको नहीं सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का आधार वर्ष क्या है, आप जानते हैं 2011-12 है जिससे हमने लगाया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यह कब से है, 30 जनवरी 2015 से। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के पिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के पिता जो है किसको बोलते हैं,
ग्रेगरी किंग को बोलते हैं। इसी तरह से भारतीय सांख्यिकी आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? प्रशांत चंद महाल नोबिस को कहा जाता है। प्रशांत चंद महाल नोबिस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब आइए बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने आपको पहले बताया और फिर हम बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे सबसे पहले दादा भाई नौरू जी ने इस बात को बताया कि हमारे पास 20 रुपया है और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। ये धीरे धीरे वर्ष के साथ क्या है, ये बढ़ा। आइए देखते हैं और उसके बाद किसने क्या किया। दादा भाई नौरू जी ने यह बात कही थी 1868 में, जिन्होंने 20 रुपये बताई थी। ये सारा जो डाटा है रुपये में है। उसके बाद देखिए मेजर एलविड बोरिंग और डेविड बैफकर ने 1882 में बताया, जिन्होंने 27 बताया। फिर विलियम डिग्बी ने इसको जो है बताया 1899 में किया, घट करके 18 हो गया। लॉर्ड कर्जन ने यह बताया 1901 में, ये पहले बता चुके हैं लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने 30 रुपये बताया था। उसके बाद देखिएगा ये 1901 में बताया था। फिर फिंडले सिराज ने 1911 में इसको 49 रुपये बताया। वाडिया एम जोशी ने 1913-14 में इसको 44 रुपये 30 पैसे बताया। और लास्ट में देखिए बीके आर और बीके बी राव ने इसको 31-32 में 62 रुपये बताया। आपको बता रहा हूँ, जिसमें दो तीन हमने जिक्र कर दिया था पहले भी, दादा भाई नौरू जी का, लॉर्ड कर्जन का और बीके राव का। बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं और इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा 48-49 में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देखें 1949 में प्रोफेसर पीसी महालोनविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अप्रैल 1951 के वित्तीय वर्ष में 48-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय को बताया था कि राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ है। और आप देख सकते हैं कि इससे प्रति व्यक्ति आय निकल करके आया जो कि 246 रुपये 90 पैसा है। यानी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति से डिवाइड, जितने जनसंख्या उसे डिवाइड कर देंगे और प्रति व्यक्ति आय पता कर सकते हैं। तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये सारी बात इन्होंने बताई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी, जो हमने बताया था, सीएसओ के द्वारा संकलित एवं जारी किए जाते हैं। अब यह काम किसका है? सीएसओ का। सीएसओ क्या करेगा? वह जो है जारी करता है, वह बताता है कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब आगे देखिए, नॉर्मल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। आपको बता दूं कि नॉर्मल जीडीपी हमेशा बड़ी होती है और वास्तविक जीडीपी क्यों कम होती है? क्योंकि नॉर्मल जीडीपी में क्या होता है कि जो डिप्रिसिएशन होता है, नॉर्मल जीडीपी में जो है डिप्रिसिएशन होता है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वास्तविक जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। और जैसे हम वैसे तो जोड़ते हैं लेकिन वो माइनस में होता है, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को कम कर देगा। हमेशा नॉर्मल जीडीपी क्या होता है? बड़ा होता है। सकल घरेलू उत्पाद का वह आंकड़ा जिसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता वह नॉर्मल जीडीपी कहलाता है, और वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को समायोजित कर लिया जाता है। यही कारण है कि नॉर्मल जीडीपी हमेशा क्या होता है? वास्तविक जीडीपी से बड़ा होता है। जैसे मान लो हमारे जीडीपी मान लो 9 है और मान लो 10 है, और 10 में मान लो हमारे पास जो है मुद्रास्फीति क्या है? 1 है। तो अगर हम मान लो नॉर्मल जीडीपी की बात करेंगे तो हमारा 10 ही रहेगा, लेकिन जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करेंगे तो 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यह बात है, इस मुद्रास्फीति का यह कमाल है भाई, इन्फ्लेशन का यह रोल होता है। सर्वप्रथम मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट, एसएनए की बात हो रही है, कब प्रकाशित हुआ था? तो आप देखेंगे यह 1968 में हुआ था और इसको यूएनओ ने प्रकाशित किया था। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित है। आप देखिएगा वित्तीय वर्ष आपको पता ही है, वह वित्तीय वर्ष हमारा चलता है अप्रैल से और जो है मई तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर आने वाले 31 मई तक। तो भारत में यही प्रक्रिया चलती है, कुछ देशों में क्या होता है जनवरी से दिसंबर भी चलता है, लेकिन भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये समझिएगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, बैंकिंग सिस्टम में भी यही काम करता है और आंकड़ों में भी यही काम करता है। एक देश की घरेलू सीमा, आइए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बताएं। घरेलू सीमा आपको समझना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि एक देश की घरेलू सीमा की अवधारणा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं आपको बताऊं जनरली क्या होता है, घरेलू सीमा किसको बोलते हैं? जहां पर हमारी भौगोलिक पहुंच है उसको हम घरेलू सीमा बोलते हैं। लेकिन यही नहीं, जहां पर अगर हम सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमारा कोई जो है जहाज दो देशों को जोड़ता है, चाहे वह समुद्री जहाज हो, चाहे वह जो है एरोप्लेन से हम जोड़ रहे हैं, या हम बस से कहीं कोई सेवा दे रहे हैं, तो वह भी हमारी घरेलू सीमा को बताता है। इस बात को ध्यान रखना, हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो वह भी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आ जाता है। आइए इस बात को जरा ध्यान समझते हैं। यहां एक विशेष अर्थ में लिया जाता है, साधारण बोलचाल में घरेलू सीमा का अभिप्राय देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा में लिया जाता है, किंतु राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली ने इसे विस्तृत अर्थ में लिया है। और आइए देखिए इसमें क्या क्या तत्व शामिल। पहला वही है कि देश की समस्त राजनीतिक सीमा, इस बात को ध्यान रखिएगा, समुद्री सीमा सहित, इसमें पूरा समुद्र को इंक्लूड किया गया, जहां तक आप देख सकते हैं। इसलिए देखिएगा राजनीतिक सीमा से हमेशा जो होता है वह हमारा जो सीमा होगा डोमेस्टिक सीमा हमेशा बड़ा होता है। लेकिन आप इसको समझिए, पहले देश के निवासियों
द्वारा दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान द्वारा, जो मैं आपको बता रहा था। जैसे अगर एयर इंडिया इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में चल रही, तो हमारा जो है ये समझिएगा कि यह घरेलू सीमा का अंग है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ब्रिटिश एयरवेज भारत और जापान के बीच में निर्मातित है, तो वह ब्रिटेन के लिए क्या है, ब्रिटेन के लिए घरेलू सीमा का अंग है। मछली पकड़ने के लिए नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस, तैरते प्लेटफॉर्म जो देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलाए जाते हैं और जिसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत अधिकार प्राप्त क्षेत्र में तेल खोजने का अधिकार है, ये सारा जो होता है यह जो है घरेलू सीमा का अंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने नौकाओं हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलना भारतीय की घरेलू सीमा का अंग है, समझ में। ये हमारी डोमेस्टिक जो है सीमा का अंग है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। देश में विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, ये सारी चीजें, सैनिक प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक स्टेशन, सूचना आवास, कार्यालय, सहायक एजेंसियां, ये सारी जो है अगर आप विदेशों में है, जैसे मान लीजिए भारत के लिए अमेरिका, कनाडा, जापान, अन्य देशों में दूतावास है, तो उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत है। ऐसे विदेशों का है, विदेशों का अगर भारत में है तो वो उनके घरेलू सीमा के अंग में आते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा उसकी राजनीतिक सीमा से हमेशा बड़ी होती है, यह बात हमेशा आपको पता होना चाहिए कि घरेलू सीमा स्वामित्व का क्षेत्र नहीं बल्कि क्रियाशीलता ऑपरेशन का क्षेत्र होता है। इस स्वामित्व के साथ और ऑपरेशन, स्वामित्व भी घरेलू सीमा में आएगा और ऑपरेशन जो आप एक्टिविटी करते हैं वह सब भी इसके क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं घरेलू सीमा में। भूटान के सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुख, सकल राष्ट्रीय सुख जो है आप इसको देख सकते हैं, यह प्रगति का सूचक है। भारत मानव विकास प्रतिवेदन विकास रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संरचना, सुख साधन संबंधी के सूचकांकों में आते हैं, इस बात को ध्यान। केवल पावर्टी नहीं आती, केवल बेरोजगारी नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है इसमें नहीं रखा गया है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन में, मानव विकास रिपोर्ट में क्या किया है, शिक्षा को रखा है, स्वास्थ्य को रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा है, सुख साधन संबंधी सूचकांक में इसको रखा है, समझिएगा। ये सब सुख साधन संबंधी सूचकांक है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी ये सब नहीं है। अब देखिए सी रामरंजन समिति के अनुसार 2012 में इन्होंने दिया था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चार राज्य गरीब देश है, वो चार हमारे देश के जो सबसे गरीब राज्य है, उन राज्यों का एक बार जिक्र हो जाए और कितने परसेंट आप देख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ये चार एकदम तबाह हैं, समझे। छत्तीसगढ़ 47.9 आप देख सकते हैं, 48% के आसपास। इसके बाद आप देखिए मणिपुर भी है 46.7%, उड़ीसा का देखिए 45.9, मध्य प्रदेश देखिए 44%। गरीब और पिछड़े राज्यों में है। देश की जीडीपी संबंधित त्रैमासिक आंकड़े आप देख सकते हैं, सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है और आप देख सकते हैं इसको। आप अगला आप देखिए, भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय गणना के लिए उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली का सम्मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। सघन लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध सघन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय है, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी ऑन एफसी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स कॉस्टिंग है राष्ट्रीय आय में व्यक्त करता है। बाजार कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं जीएनपी ऑन एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस में मूल्य ह्रास घटाने से बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर एनएनपी की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने पर हम सघन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त कर लेंगे और इसको हम जो है निरूपित कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पर ना, हम लोग अभी राष्ट्रीय आय का टॉपिक आएगा तो उसमें सारा कुछ हम पढ़ेंगे। आप देखेंगे भारत में तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं टर्शियरी क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं, व्यापार, परिवहन, वित्त, संप्रदा, बैंकिंग, बीमा, संचार, ये सारी सार्वजनिक प्रशासन, ये सारा चीज किसमें है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। अब आगे देखिए, यदि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं 100 रुपया कमाता था और 100 रुपया खर्चा करता था, अब मैं 200 कमा रहा हूं, 200 रुपया खर्चा कर रहा हूं, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ध्यान रखिएगा वास्तविक आय हमेशा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमित सेन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसे जन जन सुख सर्वाधिक निर्धन की सुरक्षा में अभिमुख एवं वैश्विक व्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय संरक्षक भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में
में अंतों से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए। मतलब एक बात समझिए, उन्होंने मोटी मोटी एक बात समझिए कहा, उन्होंने कहा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर आप राष्ट्रीय विकास की बात जो करते हैं वो आप ऐसा करें कि आप व्यक्ति के विकास की बात करें, अगर आप व्यक्ति के विकास की बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। हमने बताया था कि जो जब व्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो कृषि का क्षेत्र कम होता चला जाएगा, बाकी चीज़ों में आप देखेंगे संचार प्रणाली जो है बढ़ जाएगी, उद्योग बढ़ जाएंगे, ये सारी सर्विस सेक्टर बढ़ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मेल्टडाउन का तात्पर्य प्रतिभूतियों एवं बंद प्रत्यों, जिसको हम लोग मॉर्टगेज बोलते हैं, कि गिरावट की स्थिति, अगर ऐसा है तो मंदी का अर्थ जीडीपी में गिरावट, एवं स्लो डाउन का मतलब आर्थिक क्रियाओं के ह्रासमान स्थिति है। आगे देखिए, समावेशी समृद्धि का आशय समाज के जन सामान्य तक संसाधन एवं सुविधाओं के पहुंच से, इस बात को ध्यान रखिएगा। समावेशी का मतलब होता है सबके, समृद्धि का मतलब ग्रोथ, तो सबका ग्रोथ कब, जब जन सामान्य तक संसाधन और सुविधा पहुंचेगी तभी जो है ऐसा होता है। अधोसंरचनात्मक सुविधा के विकास, कृषि एवं पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता से संभव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर बेसिकली क्या है, आप देखेंगे हिंदू वृद्धि दर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। इस शब्द का प्रयोग राजकृष्णा ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में अपने वक्तव्य के दौरान कहा था। हिंदू जाति की अर्थव्यवस्था में हिंदुओं के परंपरागत कमियों के कारण उनकी जो राष्ट्रीय आय है 3 से 3.5 जो है राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से रहने से था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 से 3.5% जो हमारी परंपरागत जो रूढ़िवादिता है हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे जो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे देखिए, प्रथम से जो 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी 1 से लेकर 10 तक, इसमें 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 10वीं तक इसका जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य सिद्धांत थे, वह रोजगार, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय, हम हमेशा इस चीज पर काम किए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया में पहले 30 वर्षों 1950 से 1951 से लेकर 80 से 81 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन औसत वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति दर कितनी थी, आप देखिएगा 3 थी 3.4 और 1.2, आप देख सकते हैं यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस अवधि में हिंदू वृद्धि दर और को पार कर गई थी, 80-81 की अवस्था में, आप देखिएगा 67 के बीच राष्ट्रीय वार्षिक आय कितनी थी, 5.5 प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितनी थी, 3.3%, तो आप इसको देख सकते हैं। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था, तो योजना आयोग कौन किया था, मंत्रिमंडल के विस्तार के द्वारा किया गया था, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, कब, 1950 में 15 मार्च 1950, इसको पहले ही बताया जा चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद किस तिथि को हुआ था, 6 अगस्त, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, मेडल के द्वारा दिया गया था, मेडल ने दिया कि जो पिछले देश हैं उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए रोलिंग प्लान लेके आएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसका होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग भी एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब चूंकि वह नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग जो भी देगा उस चीज को अंतिम मोहर कौन लगाएगा, ध्यान रखिएगा यही लगाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका प्रदेश अध्यक्ष कौन सा होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। अब आगे देखिए, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी, तो आप देखिएगा श्री के संस्थानम ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, आप देखेंगे हमेशा क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, चाहे वह योजना नीति आयोग हो, चाहे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद हो। सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है राष्ट्रीय विकास परिषद, आप देख सकते हैं। योजना आयोग द्वारा तैयार किसी योजना को प्रस्तावित प्रारूप का अंतिम रूप कौन सी संस्थाएं करती हैं, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इस बात को ध्यान रखिए, अगर नीति आयोग नेशनल इंडियन परिवर्तन संस्थान, आप इसको देख सकते हैं, नीति आयोग पर हमने बात कर लिया, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। नीति आयोग नामक संस्था कब अस्तित्व में आई, अभी आई, हाल में ही आई, कब आई है, 1 जनवरी 2015 से आई है, और ये किसके स्थान पर आई है, योजना आयोग के। हायरड डोमर मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक, किसके मॉडल पर थी, इनका नाम था हायरड डोमर मॉडल। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो आपको पता ही होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद
पनगढ़िया। और यह ध्यान रखिएगा, यह जो होता है जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष देखिए डॉक्टर राजीव कुमार, आप देख सकते हैं पहले कौन थे, अरविंद पनगढ़िया थे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अभी कौन है इस समय, राजीव कुमार है। पूर्णकालिक सदस्य ध्यान रखिएगा, श्री बी के शाश्वत, प्रोफेसर रामचंद्र एवं डॉक्टर वी पाल हैं। आप देखें प्रदेश सदस्य देखिए इसके हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो कि हैं, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री। आप देखे होंगे कोरोना पीरियड में जितने भी वित्तीय मामले आए होंगे सब दायित्व तो किसके ऊपर था, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर था, और वो लगातार आकर के उन्होंने सारी योजनाओं को बताने का भी काम किया होगा। और देखिएगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि एवं ग्रामीण एवं पंचायत राज्य मंत्री, तो इसके प्रदेश सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित कौन है भाई, श्री नीतीश जयराम गडकरी हैं, ये सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। श्री थावर चंद्र गहलोत हैं जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल हैं जो कि रेल मंत्री आप जानते होंगे, एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी इनके पास है। राव इंद्रजीत है सिंह है जो कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है। तो ये पूरी टीम हमने आपको बताई है जो यहाँ पर, यह नीति आयोग के बारे में हमने बताया इस समय करंट में जो स्थिति है, और यहाँ पर हमने आपको पूरी बात जानकारी दी है। अब देखें अधिशासी परिषद क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल क्या होता है, इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके मेंबर होते हैं। इसी तरह मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिसको हम सीईओ बोलते हैं, वह कौन है भैया, वह है श्री अभिकांत जो है जी है, इसको आप देखिएगा। इसके बाद आइए कुछ और पॉइंट पर बात करते हैं। आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सब स्लोगन है हर पंचवर्षीय योजना के, और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात को रखा गया था। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बड़ा फेमस हुआ था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की किस योजना में कृषि और सिंचाई योजना की संख्या प्रदान की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई सामाजिक सेवाओं में, इस बात को ध्यान रखना, जो कि 30.2% और ऊर्जा क्षेत्र में 23.4% दिया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास की तरफ, तीव्रता और अधिक समावेशी विकास की तरफ। तृतीय वर्ष पंचवर्षीय योजना अवकाश किन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि का व्यय किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 31% जो है हमने कृषि को ध्यान दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का पावर विकास का सर्वाधिक व्यय किया गया था, तो आप देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में पावर विभाग पर 28% व्यय किया गया है। सामाजिक सेवाओं एवं सार्वजनिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया जाता है, आप देख सकते हैं ग्यारहवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसको किया जाता है। ग्यारहवीं में आप देखिएगा कि 35.5% दिया गया है, और यहां पर देख सकते हैं दसवीं में दिया गया है यह 28.4% दिया गया है। अनवरत योजना, अनवरत का मतलब होता है लगातार, रुकने न पाए चलते रहो। अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो सबसे पहले इनको किया था गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एसोसिएशन ड्रामा में इसको पुस्तक किया था। अनवरत योजना का जो है प्रतिपादन गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, किसने भारत में जो है इसको श्रेय किसको मिला कि भारत में लगवाया, तो अनवरत योजना प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने इसको जो है लगाया था। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया है, अनवरत योजना के दौरान गांधीवादी नीति का जो है पालन किया गया है। आइए विकास केंद्र उपागम का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किंतु इस पर विशेष बल पांचवी योजना में दिया गया। ध्यातव्य है कि विकास केंद्र उपागम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत विकास केंद्र उपागम इसमें क्या क्या आता है, समस्या आधारित कार्यक्रम, संसाधन आधारित योजना, प्रोत्साहन दृष्टिकोण, व्यापक क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह उपागम आदि इसके घटक शामिल किए गए हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। ऐसे आप देखिएगा
आदेशात्मक योजना में आदेशात्मक सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है। इस बात को ध्यान रखना, बाजार तंत्र की जगह पर हमेशा जो होता है जब आदेशात्मक योजना हो जाती है तो आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का रूप ले लेता है। और देखेंगे जबकि निर्देशात्मक योजना में बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें जो है यहां पर अगला पॉइंट बता रहा हूं, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग, जबकि योजना आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। मैंने आपको बताया था, अब तो योजना आयोग रहा नहीं, अब तो उसकी जगह पे नीति आयोग हो गया। यह एक जो है एडवाइजरी बॉडी है। और देखिएगा, योजना आयोग का संबंध जहां पूंजीगत खाते से था, इस बात को ध्यान रखिएगा, वहीं वित्त आयोग का संदर्भ आज भी राजस्व खाते से है, इस बात को समझना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ध्यान कहां पर है, राजस्व खाते पर है, और योजना आयोग कौन से कहां पर देखिए हस्तक्षेप कर रहा है। योजना आयोग जो है, आप फिर से इस लाइन को जरा ध्यान देखिए, इसका संबंध पूंजीगत खाते से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि योजना आयोग कोई पैसा लेता नहीं है, यह एक एडवाइजरी बॉडी है और यह केवल सलाह देता है, और इसकी सलाह पर जो होता है वह पैसा लगाया जाता है, और मुहर कौन लगाता है, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर मुहर लगाता है, तभी बात जो है आगे जाती है। अब आगे देखिएगा, किंतु एक व्यक्ति एक ही समय पर दोनों संस्थाओं का सदस्य हो सकता है, इस व्याख्या से स्पष्ट है कि दोनों संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति दोनों जगहों पर मेंबर हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, वही तृतीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति पर आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था, इस बात को मैं, हर एक योजना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम भारी उद्योगों पर जोर दे रहे थे, लेकिन तृतीय में हमने उसकी जगह पर औद्योगिकरण को बल दिया। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आप देख सकते हैं यह संविधान की सातवीं अनुसूची और समवर्ती सूची से लिया गया है। भारत में योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1951 से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक पंचवर्षीय योजनाओं के अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 है, आप देख सकते हैं 5-5 साल का होता है बेसिकली, लेकिन आप इसमें देखिए इसमें कुल 6 दिया गया है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1966 से 69 ये 3 वर्ष का है, और 1979 से 80 तक यह 1 वर्ष का है, और 1990 से 92 तक का यह 2 वर्ष का है, तो यह आपको थोड़ा सा अलग से भी ध्यान रखना पड़ेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास का तत्व माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना यह मानता है कि हमने मानव विकास के सारे विकास जो है इसमें डाल रखे हैं। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम चतुर्थ पंचल में अपनाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय में खाद्यान्नों के क्षेत्रों को आयातित लक्ष्य अपनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक हमने आपको सारी बातें बताई, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्रों द्वारा परिवहन, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय किया गया था, तो सबसे अधिक व्यय किया गया था, ध्यान रखिएगा, सामाजिक क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास पर, देख सकते हैं ये है 43, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डाटा है। परिवहन पर भी आप देख सकते हैं, ऊर्जा पर भी आप देख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र पर देख सकते हैं, इतना रुपया व्यय किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा व्यय आप देखेंगे कहां पर है, सामाजिक क्षेत्र पर है। आप देखें सामाजिक क्षेत्र पर इतना करोड़ रुपए आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 लाख और 2,327 करोड़ रुपए हमने यहां पर व्यय किया है सामाजिक क्षेत्र पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि किसी में आप देख सकते हैं कम है, ऊर्जा यहां पर, परिवहन में भी आप देख सकते हैं कम है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है 11 लाख है, बाकी आप देख सकते हैं यहां पर 43 लाख ही है, 4,37,000 है, यहां पर 5,72,000 है, यहां पर 8,54,000 समथिंग है, लेकिन यहां पर 11 लाख है, तो आप देख सकते हैं 11 लाख समथिंग करोड़, तो 11 लाख मतलब हजार पूरा डाटा ले लीजिएगा, तो 11,02,327 करोड़ रुपया व्यय किया गया है, तो एक बहुत बड़ा है सामाजिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था, तो 8 IIT जो है स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। 12वीं योजना में सामाजिक
सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई और इससे किस क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान था, ध्यान रखिएगा शिक्षा क्षेत्र और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में दो चीजों को बुनियाद बनाया है, एक एजुकेशन को और दूसरा जो है उसके बाद स्वास्थ्य को। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सर्वप्रथम जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था आपको पता होना चाहिए था, यह 9.0 था और बाद में इसको बदल करके 8.2 कर दिया गया था। अगली बात, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य के आगे ले जाने में स्व सहायता समूहों और लक्ष्य के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराना अप्रत्यक्ष रूप से सहायक साबित हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो समावेशी वृद्धि लक्ष्य है, समावेशी वृद्धि लक्ष्य है मतलब आप देखेंगे कि सभी लोगों का ग्रोथ हो और इसको आगे ले जाने में जितने भी स्व सहायता संगठन है सब लोगों का योगदान होना चाहिए, जो लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमें लागू करना चाहिए, ये सारी चीजें शिक्षा का अधिकार आप लागू करिए तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, सब जगह मदद करती है। आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है, क्योंकि आर्थिक विकास वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है, इस बात को ध्यान रखना। जब जब आप मांग बढ़ेगी निश्चित रूप से तो आप देखेंगे कि जब मांग बढ़ती है तो आप देखेंगे उस वस्तु का जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक्स का बहुत सामान्य सा रूल है। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि आर्थिक विकास सामान्यतः इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है और आप इस बात को ध्यान रखिएगा आर्थिक विकास से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी, जब डेवलपमेंट होगा तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, तो ये आपको मैंने यहां पर बताया। बच्चों इन सारे तथ्यों के साथ हमने आपको लगातार एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, फिर आगे की बात करते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।